ओम शांति तो बाबा तो नॉलेजफुल है बाबा ने तो बच्चों के आगे सारी नॉलेज रखती है पर अभी स्वरूप में नहीं आया सागर ने ज्ञान लुटाया पर, पर स्वरूप में कितनों के आया कितना ज्ञान वो दिखाई दिया सबके जीवन में महत्व तो इसी बात का है सुनने में तो आप देखेंगे कि बहुत आते हैं बहुत सुन के चले भी जाते हैं पर स्वरूप में ज्ञान नजर आए आपको मेहनत नहीं करनी पड़े क्योंकि तो आपके स्वरूप में प्रैक्टिकल तो दूसरों को दिखाई देगा ना आप बहुत कहें कि हम तो बाबा से बड़ा प्यार करते हैं हम तो लेकिन आपके कर्म बता रहे हैं कि आप में प्यार की कमी है भगवान आपसे प्यार करता है इसकी निशानियाँ तो बहुत सारी है पर आप भगवान से ही प्यार करते हैं या इधर उधर नहीं फंसते हैं इसकी निशानी तो आपके कर्म है फिर आपके कर्म बताते हैं कि क्या कर रहे हो आपके कर्म भी तो बोले कि आपका भगवान से बड़ा प्यार है तो अपने कर्मों पर बहुत अटेंशन देना है कर्म प्रधान कहते हैं लेकिन वो प्रधान क्यों बने क्योंकि कर्म के आधार पर ही तो सबको जज होगा तो हमें दिन रात ये भी देखना चाहिए कि उन कर्मों में गुणों की प्रधानता है या नहीं